हैवीवेट चैंपियन का टाइटल आपको मिला, और मुझे वो मैच अभी भी याद है, आपने शायद केन और बिग शो को ओवर द टॉप आपने फेंका था, और आपने वो 15 मैन ओवर द टॉप रंबल जीता था। बट ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू WWE, आपके बाद कोई इंडियन वहां पे इतना बड़ा इतना बड़ा नाम नहीं कमा पाया, और व्हाट इज उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, और क्या इंडियंस को उस दिशा में प्रमोट करने के लिए आप कुछ करना चाहोगे? बिल्कुल, मैं जैसे पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर इंडिया पे स्पोर्ट्स को प्रमोट करना बहुत टफ है, क्योंकि स्पेशली जैसे MMA लगा लो आप, और दूसरी ये प्रो रेसलिंग लगा लो आप, जो WWE आप देखते हैं। सो मेरे जो मेरे बाद मेरे गए कुछ काफी स्टूडेंट्स मेरे वहाँ पर गए हैं, तो चलो कितने उनको सक्सेस मिलती है वो तो एक बात की बात है, लेकिन मेरे 10-12 लड़के हैं जो मेरे CWE से WWE में गए हैं, और मेरे को अच्छा लगता है कि भी अगर मैं WWE को छोड़ के, क्योंकि मेरे पास वहाँ पर WWE के कॉन्ट्रैक्ट थे, हॉलीवुड के मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट थे, और मेरा अपना वहाँ बिजनेस था, पर लेकिन मेरे दस बोलते थे यार कि भी मैंने मुकेश अंबानी तो मैं बनना नहीं यार, मेरे पास परमात्मा ने इतना दिया है कि जरूरत से ज्यादा दिया, इतना कभी सोचा नहीं था आपने कि हम जो हमारी बैकग्राउंड है, हमारी बहुत जैसे बोलते ना बहुत फैमिली से आती है, सो हमारे को बहुत दिया, इतना सोचा नहीं था कि इतना भी मतलब। सो मैं सारा कुछ छोड़ के वहां पर मैं वापस इंडिया आया, मेरा ड्रीम था कि भी यार मेरे जैसा सपना था WWE पे जाने का, तो क्यों नहीं मैं इंडिया पे जाऊँ और वहां पर उनको ट्रेनिंग दूँ जो मेरे जैसे लड़के और भी है, और उनको WWE में भेजूँ। सो मैं 2015 में वापस इंडिया आया, मेरे काफी सारे लड़के हैं जो यहाँ से WWE में गए और वो अब वहां पर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो जिनके पास कुछ नहीं होता था यहाँ पर, एक नौकरी के लिए तरसते थे, वहां पर उनको करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। सो मेरे को ऐसा लगता है यार मेरे जिस सोच को लेकर मैं इंडिया में आया था, तो सोच में मैं बहुत सक्सेस हुआ हूँ, बहुत सारे लड़के मेरे जो वहां पर WWE पे गए हैं, और यहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छे बड़े बड़े इवेंट करे, यहाँ पर जो इंडिया में।